अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका दोस्त नबील हुसैन और आप देख रहे हैं नबील फोटोग्राफी। जी गाइस, आजकल रमज़ान शरीफ माशाल्लाह चल रहा है, आपको तो पता है। तो बस कुछ मसरूफियात हैं, घर की भी, शॉप्स की भी, तो आपको पता है ज़रा टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है। तो आप तो सोच रहे होंगे कि बंदा यार बातें इतनी इतनी बड़ी करके पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, कि हमको ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, फ़ोटोग्राफी दिखाएंगे। तो भाई पहले तो उसके लिए मैं माज़रत चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो इंशाल्लाह आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ एक छोटा सा टिप लेके। मैंने कहा चले जितना है हल्का सा फुल्का इनको टिप्स बताते हैं, फिर इंशाल्लाह आइंदा वीडियो के साथ चलते रहेंगे, मज़ीद आगे जितना चाहे बढ़ेंगे, जितना मुझे आता है मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बना दूंगा कि आपको बाजार से फोटोग्राफर लाने की जरूरत ही ना पड़े। आप जब चाहें आप एक वेडिंग पे बाहर से बंदा जो लाते हैं, आपको जरूरत ही ना पड़े बाहर से बंदा लाने की, आप खुद कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, ये कर सकता है, वो कर सकता है, सब कर सकते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको एक अच्छा फोटोग्राफर। फैमिली फोटोग्राफर कौन होता है मैं आपको बताऊंगा, आप खुद बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं फैमिली फोटोग्राफर। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जी गाइस, आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्या है, फोटोग्राफी कैसी होती है, फोटोग्राफी की किस्में क्या है? तो जी गाइस, फोटोग्राफी जो होती है वो दो किस्म की फोटोग्राफी होती है। एक जो हर बंदा करता है, ऑटो फोटोग्राफी, ठीक है। एक होती है मैनुअल फोटोग्राफी। मैनुअल फोटोग्राफी वो फोटोग्राफी होती है जो एक प्रोफेशनल बंदा, आप शादियों पर जाते हैं देखते हैं कि मोबाइल तो हर बंदे के पास होता है, हर बंदा क्लिकिंग करता है, ठीक है। तो सम ऐसे होते हैं जो अपना कैमरा भी लेके जाते हैं इवेंट पे, फोटो क्लिकिंग करते हैं, लेकिन जहां दिल किया क्लिकिंग शुरू कर दी, लेकिन वो कहीं किसी का सर कटा हुआ होता है, किसी के पाँव नहीं होते, किसी का चेहरा इतना ब्लाइंड होता है कि नज़र नहीं आता, ठीक है। वो क्या चीज़ होती है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब शादी पर जाते हैं, उधर दो से तीन जितने भी वो होते हैं मूवी वाले, वो स्पेशल होते हैं बंदे, उनके पास अच्छा फोटोग्राफर होते हैं, अच्छे कैमरे होते हैं उनके पास, ठीक है। वो मैनुअल फोटोग्राफी करते हैं। मैनुअल फोटोग्राफी क्या होती है वो आपको इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। पहले आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑटो फोटोग्राफी। ऑटो फोटोग्राफी होती क्या है? ऑटो फोटोग्राफी वो होती है कि जस्ट आपने मोबाइल ले लें, चाहे DSLR ले लें, ठीक है। DSLR से ये होता है आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। मोबाइल में भी काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट बन जाता है, लेकिन एक मोबाइल और एक DSLR, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। मोबाइल की जो फोटोग्राफी होती है, आप अगर चाहें आपको सेटिंग सारी पता हो, फिर आप एक अच्छी फोटोग्राफी मोबाइल में भी कर सकते हैं। अगर मोबाइल में आप जस्ट ऑटो, क्या आपको पता है ये सब्जेक्ट है हमारा, उसमें क्लिकिंग कर दिया जी, ये मोबाइल है, इसमें कैमरा ओपन कर दिया मैंने और सब्जेक्ट को क्लिक कर दिया, ये ऑटो फोटोग्राफी होती है, ठीक है। अगर इसमें भी आप चाहें तो मैनुअल फोटोग्राफी कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊंगा वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक ये था कि ऑटो फोटोग्राफी क्या होती है। ऑटो फोटोग्राफी ये होती है कि इसमें आपको लाइट कम है, ज़्यादा है, आपको कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये कैमरा आपका जो आपके हैंड में है, आपका मोबाइल है, ये आपको खुद ब खुद उसकी सेटिंग जनरेट कर देगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या चीज़ होती है कि आप जो चीज़ चाह रहे होते हैं ना, वो चीज़ नहीं बनेगी, कि वो कैमरा ऑटो मोड में है, वो कैमरा जो कैमरा चाहेगा वो आपको बना के देगा। आप सब्जेक्ट को अपने हिसाब से ले लेंगे, जितना चाहे कि हमने उसकी इतना सी फ़ोटो क्लिक करनी है उतना वो क्लिक करेगा, लेकिन क्या उसमें जो चीज़ आप कलर टून, उसके आइस का कलर, लिपस्टिक का कलर, जो चीज़ भी चाह रहे हैं वो अपनी तरह से बना के देगा, आप नहीं बना सकते। मैनुअल फोटोग्राफी जो होती है वो इसमें आप जो चाहे जैसा चाहे खुद बना सकते हैं, फोटो को ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, ज़्यादा ग्रेडिंग बना सकते हैं। आजकल तो इंस्टा पे आप देख रहे होंगे कि बहुत से लड़के वो ग्रेडिंग वाली फ़ोटो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये है कि ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आती हैं। फिलहाल आप स्टार्ट लीजिए। तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। जी गाइस, आज आपने सबसे पहले इस फोटोग्राफी सीखने से पहले एक काम करना है, जो हमारा गोल है। आपने सबसे पहले देखना है कि मैं फोटोग्राफी किस लेवल की, किस चीज की करना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहले तो बात यह है कि कुछ लोगों को स्ट्रीट फोटोग्राफी अच्छी लगती है, ठीक है, तो कुछ लोग एनिमल फोटोग्राफी, तो ये फोटोग्राफी होती सेम ही है, लेकिन अगर आपका एक माइंड सेट होगा कि यार मैं इस चीज़ को प्रेफर कर रहा हूँ, यार मुझे ये चीज़ लाइक कर रही है, मैं दिल से कर रहा हूँ, उसका काम उतना ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो पहले तो आप देखिए ना, आप किस चीज़ पे फोकस करते हैं। आपका फोकस एक गोल होना चाहिए। आप वेडिंग को लाइक करते हैं, ठीक है, वेडिंग को करते हैं, एनिमल्स को करते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी, इनडोर फोटोग्राफी, आउटडोर फोटोग्राफी, सिनेमेटिक फोटोग्राफी, कैसी आपको लाइक करते हैं, पहले तो आपने ये डिसाइड करना है, ठीक है। ये चीज़ें डिसाइड करके फिर आपने इसके बाद क्या करना है जी, अगर आपके पास एक DSLR मौजूद है, नहीं तो कोई भी नॉर्मल सी रेंज में आप 20,000 से 25,000 की रेंज में भी अच्छा DSLR मिल जाता है बिगनर्स स्टार्टिंग के लिए। आप जिससे अपनी बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक छोटी सी मोड में मिल जाएगा अच्छा कैमरा, DSLR लें, उससे आप स्टार्ट करें। स्टार्टिंग जो होती है ना, वो आपने सबसे पहले ना ऑटो पे ही करनी है। जस्ट कैमरा लिया आपने, ठीक है, उस पर आपने क्लिकिंग करनी है। जितनी ज़्यादा क्लिकिंग कर सकते हैं करें, कोशिश करें कि सब्जेक्ट को आपको समझ आ जाए कि मैंने सब्जेक्ट को कैसे उसका एंगल बनाना है, कैसे उसको अपना मॉडिफाई करना है, कैसे उसकी सेटिंग करनी है। जब आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम मैनुअल की तरफ आएंगे। फिर आपको एक छोटी से छोटी टोटल इंशाल्लाह आपको समझाएंगे जो भी सेटिंग होगी। फिर आपने अपनी वही ऑटो फोटो को देखना है, फिर उसके साथ कंपेयर करना है कि ऑटो और मैनुअल में क्या डिफर होता है। समझ रहे हो? तो गाइस, सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिएगा, इसको इसमें कमेंट करें कि आपको किस चीज की समझ नहीं आ रही। कोई चीज़ आपके माइंड में है कि भाई हमें ये फोटोग्राफी सीखनी है, इस चीज़ पे सीखनी है, तो आप इंशाल्लाह मुझे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं उस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं, ठीक है। तो भाई मेरे फ़ायदा होने वाला है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नहीं लाइक करोगे, लाइक करो, कमेंट करो, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आगे दोस्तों को बताओ कि यार फोटोग्राफी सीखनी है, ऐसे सीखनी है। कौन सिखा रहा है? नबील सिखा रहा है, सीख लें। तो इंशाल्लाह गाइस, नेक्स्ट मिलेंगे हम अच्छी वीडियो में अच्छे टिप्स के साथ। तो मेरे लाइक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।